रूपा जी, गेहूं पर देख चुके हैं कि सरकार के काफी ज्यादा फैसले आ चुके हैं। पहले गेहूं के निर्यात को प्रोत्साहन देना, फिर गेहूं का निर्यात बैन कर देना, फिर दोबारा से गेहूं के निर्यात को थोड़ी मात्रा के लिए चालू कर देना, और अब फिर जब तुर्की और मिस्र ने भारत का गेहूं लौटा दिया है, तो भारत ने जितने भी निर्यात ऑर्डर्स थे वो सारे खारिज कर दिए हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अभी गेहूं के जो दाम है घरेलू मार्केट में, यहाँ पे कुछ कम होते नजर आ सकते हैं क्या? देखिए, हल्का फुल्का करेक्शन बन सकता है इस खबर के चलते, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई फिलहाल डाउनसाइड एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि विदेशी बाजारों के अंदर एक अच्छी खासी तेजी गेहूं के अंदर बनती हुई दिखाई दी है, और अभी भी जो मार्केट है वो पॉजिटिव है, और अब जिस तरीके से डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट्स में उसको पूरा करता हुआ इंडिया जो है वो आगे आ सकता है। अभी ज़रूर एक बार बैन लगा दिया गया, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट के सौदे जो है वो रद्द किए गए हैं, उसका एक असर हल्का फुल्का आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फिलहाल के लिए प्राइजेस जो हैं वो नीचे दिखाई नहीं देते हैं। अभी आगे चलकर मुझे लगता है कि और ज़्यादा बूस्टअप कीमतों के अंदर देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑलरेडी हम तेजी देख रहे हैं, और इसका असर भारतीय बाजारों पर आता हुआ दिखाई दे सकता है, और गेहूं यहाँ से फिलहाल मंदी में नहीं है, सस्टेन कर सकता है इन लेवल्स पर, और आगे चलकर तेजी बन सकती है। जी।